एंड फॉलोअर्स। ठीक है, क्लियर सभी को? हां सर। तुम्हाला आप लोग आपस में बात नहीं करो ना, आपस में बात करना है तो आपके पास अलग भी है, यहाँ पे क्लास वाले जो है बस वही डिस्कशन करो। तो नेक्स्ट बताओ, आप क्या डाउट है? नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो? B7 देखो, D7 में देखो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज 1.2 मीटर, ऐसे हमें कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर दिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1.2 मीटर है। तो इससे कितनी दूरी पर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख दें जो कि 12 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट की हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी इमेज बन रही है कुछ। बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है भाई, क्या हो रहा है? इसलिए मैंने सबको म्यूट कर रखा था कि सब डिस्टर्ब कर रहे हो। सर कम का आ रहा है सर, सर म्यूट कर दो। सर हाँ, डाउट होगा तो चैट पे डाल दे। सर व्हाट्सएप पे है कि ये वीडियो? व्हाट्सएप पे ये, हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा वीडियो। यूट्यूब पे भी? हाँ यूट्यूब पे डालूंगा, लिंक उस पे शेयर करूंगा ना, व्हाट्सएप पे इतना बड़ा वीडियो तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ सर, मतलब वही पूछ रहा था। हाँ तो अब देखो यहाँ पे इसका बोला गया है कि इमेज कहीं इधर बन रही है, ये ऑब्वियस है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है, इधर के साइड में अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पीछे इमेज बनेगी। तो ये इमेज की डिस्टेंस दी हुई है 0.35 मीटर और पीछे बनेगी तो वर्चुअल है, तो हाइट ऑफ इमेज बोली गई है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ भाई, इसमें तो क्या ही हुआ है, आपको वी दे दिया गया है, ये दे दिया गया है, तो एम निकाल लेंगे। एम निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है? एक तो माइनस वी बाई यू, दूसरा एफ ओवर एफ माइनस यू और तीसरा एफ माइनस बी ओवर एफ, ऐसे तीन फॉर्मूले थे ना। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? एफ दिया है और बी दिया है। एफ किस में लेंगे आप? प्लस में लेंगे ना, 1/2, और ये मीटर में है तो ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा ना, और बी कितना दिया है प्लस में? 35 सेंटीमीटर। सर नहीं समझा, इधर से समझाओ। अबे अभी तक कुछ ना समझ जाने जा समझाया ही नहीं है आपको। आर दिया है क्वेश्चन में, आर दिया है ना 1.2 मीटर कॉन्वेक्स मिरर का, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? आर बाई टू, 1.2 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 120 सेंटीमीटर, तो बाई टू करोगे तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? 60 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। यार फालतू की बातें करते हो और जब पूछता हूँ कुछ बोलते नहीं हो तब तुम लोग। आया ना, क्या बोल रहे हो? हाँ आया ना, फोकल लेंथ आ गया और वी दिया है क्वेश्चन में ना कि 0.35 है और वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज तो मिरर के पीछे ही बनेगी ना, तो यहाँ से इस साइड है 0.35 मीटर मतलब 35 सेंटीमीटर। वी पता है, एफ पता है और फोकल लेंथ के हमने तीन फॉर्मूले पढ़े हैं ना, एक माइनस वी बाई यू, एक एफ अपॉन एफ माइनस यू, ये फॉर्मूले देखो वीडियो में बताया था, और एक ये वाला फॉर्मूले याद है भाई? याद है। तो इस वाले फॉर्मूले में देखो एफ पता है और वी पता है, ये डाल दोगे तो एम आ जाएगा,
और m बराबर किसके होगा? हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से m आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया है ये, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज, आ जाएंगे। नेक्स्ट बताओ, इसको एरो बना बना के बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट बताओ, इसमें बी में अभी है और डॉग, बी एड करना था क्या सर? बी फाइव, बी फाइव, ठीक है नेक्स्ट बी फाइव देखो। हेलो बी नाइन लो लो। देखो इसमें बोला गया कि कोई कैंडल का फ्लेम है, कोई कैंडल है हाँ वो तो, और उसकी इमेज बनाई जा रही है बॉल बियरिंग में। बॉल बियरिंग कैसा होगा? कुछ बॉल शेप होगा ना ऐसा ना, इसमें इमेज देख रहे हैं तो ये एक तरह से क्या हुआ, इससे रे जो आ रही होगी रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी, तो ये कौन से मिरर का काम करेगा? कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा ना। तो डायग्राम करेक्ट है क्या? देखो ना इसमें, देखो इसकी हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर, ये हम मान लेंगे ना यहाँ पे कोई कॉन्वेक्स मिरर है और उसके सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है कैंडल 1 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर। और बोला गया इफ द बॉल बेयरिंग इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फ्लेम, और ये 20 सेंटीमीटर अवे है, तो लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज पूछा है ना, वी पूछा है और हाइट ऑफ इमेज पूछा है, ठीक है क्लियर है सभी को? देखो आपको आर दिया था, फोकल लेंथ निकाल लोगे आर बाय टू करके, और ये यू दिया हुआ है, यू कितना है -20 सेंटीमीटर, यू -20 सेंटीमीटर है, यू दिया है एफ दिया है, तो वी निकाल लोगे मिरर फॉर्मूला लगा करके, तो समझो मिरर फॉर्मूला लगा करके वी आ जाएगा। हाँ या ना, क्या बोल रहे हो? अब v आ जाएगा तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा -v/u ना, मैग्निफिकेशन -v/u आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ गया तो अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, एक बार मैग्निफिकेशन आ जाएगा तो आगे तो कर ही लेंगे ना, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये निकाल लिया, ये दिया है तो ये निकाल लो, हो जाएगा बी फाइव। हो भी गया। फिर नेक्स्ट, ये देखो यार ये फिर से बी 16, 9 मिनट ही बचा है फिर भी ये खत्म होने वाला है मीटिंग। बी 16 दिलस नहीं है यार, ये इस बार वाले 9 मिनट के बाद ये फिर से एंड हो जाएगा ना, तो अब कल ही करूंगा, आज यार पहले ही दिन था, बड़ा अजीब ही लग रहा है ऐसे डिस्कस करने में, कल करो ना, अच्छे से प्लान करके करेंगे। सर पीओएम के डाउन्स कब करने हैं? किसके? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बताओ तुम लोग कब किया जाए सर? पहले वो कर लेते ना, क्योंकि उसका मॉड्यूल हो गया है पूरा।
अच्छा वो पूरा हो गया। हाँ तो अब तुमने कर लिया, बाकी लोग का फिर देखना रहेगा। तो या तो 3 दिन का टाइम दे देते हैं, 3 दिन बाद कोई दिन रख देते हैं ना, तब तक जो नहीं भी क्यों होंगे कर लेंगे। ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। तो फिर मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ ना कब हम लोग करते हैं, 3 दिन बाद का एक डेट डाल देते हैं। हाँ सर ठीक है। फिर अब नेक्स्ट बताओ भाई, 8 मिनट ही बचे हैं, इसमें बताओ कौन सा और डॉक्टर है। B8 B4 कौन बोलो भाई, कौन सा बोल लो? B6 चलो B6 कर लेते हैं। बीच में अगर ये चला जाएगा तो फिर नया मीटिंग करेंगे। फिर नया फिर से नहीं कर रहा यार, अब मैं बोर हो गया, अब कल करेंगे फिर। हाँ ठीक है, कल कितने बजे? कल भी सेम टाइम पे करेंगे, इसीलिए मैंने टाइम फिक्स ही कर दिया डेली ऐसे ही। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो ये है कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वायर फ्रेम है ना एक ऐसे, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो ये देखो पूरा जो वायर का फ्रेम है वो कितना लंबा हुआ, ये 2 सेंटीमीटर ऐसे है, फिर 5 इधर, 7 हो गया प्लस 2, टोटल वायर फ्रेम कितना है, 9 सेंटीमीटर का है। और हमें इसके इमेज की लेंथ बतानी है। ठीक है, क्लियर सबको क्वेश्चन क्या है? और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए इसका 20 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है कहीं, फोकस कहीं यहाँ होगा। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, ए बी सी डी, तो एसी वाला पार्ट तो ऑलरेडी सी पर है, तो इसकी इमेज तो यही बन जाएगी उल्टा ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो होता है उसकी इमेज तो वही बन जाएगी सेम लेंथ की। और डी की इमेज हमें बतानी है, डी कहाँ बनेगा, तो डी के लिए क्या करोगे, डी के लिए यू कितना पकड़ोगे, -15, फोकस कितना है R/2 मतलब -10, मिरर फॉर्मूले में डाल दो तो 1/V + -1/15 = -15 ऐसे आ जाएगा, 30 LCM हो जाएगा ना, तो -3 + 2/30 मतलब V की वैल्यू -30 आ जाएगी, मतलब यहां से 30 पर जाकर के D की इमेज बनी है। और मैग्निफिकेशन कितना आया है वहां पर, मैग्निफिकेशन देखोगे तो -V/U, तो -30 - 2/-15 तो -2, माइनस मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो जो बीडी है बीडी की इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी, और माइनस मतलब इन्वर्टेड और 2 मतलब डबल साइज का, तो अभी इसकी साइज कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो इमेज कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और उल्टा तो ऐसे आएगा 4 सेंटीमीटर का ऐसे इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर का आ जाएगा ना। यस। और ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 है पूरी यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का 20 है, तो ये कितना हुआ, ये 30 आया था ना और ये 20 है, तो ये कितना हुआ 10, तो ये 10 है। अब जो हमारा पूरा इमेज बना है वो कहाँ पर है, ये वाला इमेज है, ये इमेज है वायर का और ये है, तो इसकी पूरी लेंथ बताओ कितनी है, ये तो 2 ही रहेगा, ये 4 है और ये 10 है, कितना हो गया टोटल 4 + 10 = 14 + 2 = 16, टोटल लेंथ समझ आई, 2 + 10 कितना होगा 12 + ये 4 आया था ना, तो टोटल 16 सेंटीमीटर का वायर फ्रेम का इमेज का लेंथ आ जाएगा। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 1 में और डाउट्स हैं क्या अभी?
नहीं नहीं खत्म हो गए सर। बी नेक्स्ट वाले कल हम लोग एक्सरसाइज 2 फिर डिस्कस कर लेंगे ना। चलेगा ठीक है सर। ठीक है, बाकी जो आज डिस्कस किया ये हमने रिकॉर्ड भी किया, तो इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ना ग्रुप। ठीक है, फिर अब क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय बाय। ओके बाय बाय। हैप्पी कोरोना। हैप्पी कोरोना।